Good morning, children. Let's start with the revision worksheet of class 3 subject English for midterm exam. So, in this, the first question is, there is a paragraph and you have to answer the questions. You have to answer the questions from the given paragraph. So, इस paragraph को बहुत ध्यान से पढ़ना है. I'm going to read it. It was Rani's birthday. Her father gave her a big animal book full of pictures. There were pictures of lions, tiger, elephant. Suddenly, she saw an animal in the book. It was tall. It had something funny on its back. Rani asked her father. Rani ne apne papa se pucha. What is this? Yeh kya hai? Her father said. Uske papa ne kaha. This is a camel. And funny thing on its back is a hump. और जो आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज और फनी थिंग लग रही है वो उसका हम्प है यानी कि कुवर है. द एनिमल लिव्स इन अ डेजर्ट. ठीक है, तो ये है हमारा पैराग्राफ और अब हम करते हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट वर्ड. इट वॉज डैश बर्थडे. किसका बर्थडे होगा, अलीस या रानी? रानी का बर्थडे होगा. सो आई एम पुटिंग मार्क ऑन रानी. नेक्स्ट, रानीज डैश गेव हर अ बुक. रानी के कौन से पेरेंट ने उसको किताब दी थी? हर फादर गेव हर अ बुक. सो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन द फादर. नेक्स्ट थिंग, द फनी थिंग ऑन अ कैमल्स बैक इज अ. अब कैमल की जो बैक होती है उस पर क्या होता है? हम्प होता है. ट्रंक जो है वो सून को कहते हैं. नेक्स्ट, द कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट. गार्डन में नहीं रहता. गार्डन में तो गार्डन लिजर्ट और बटरफ्लाइज और बहुत सारी थिंग्स ज्यादा रहती है. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग. राइट द अपोजिट ऑफ. अब यहाँ आपने अपोजिट वर्ड बताने हैं. बैक का अपोजिट होता है सामने यानी कि फ्रंट. टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड. इसमें क्या करना है, वर्ड्स में जो लेटर्स है उनको जंबल्ड अप किया हुआ है, आपने उसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो द फर्स्ट इज टाइगर TIGER एंड द सेकेंड वन इज बुक BOOK बुक. नाउ कम टू सेक्शन बी. दिस सेक्शन इज फॉर राइटिंग. अभी हमारा कॉम्प्रीहेंशन था, अब हम राइटिंग पर आ रहे हैं. इट कैरी 6 मार्क्स. इन दिस यू हैव टू कम्प्लीट द लेटर विद अ सुटेबल वर्ड. सो दिस इज द लेटर फॉर द सिक लीव एप्लीकेशन है ये बेटा. टू द प्रिंसिपल MCT प्रतिभा स्कूल. और यहाँ एक लाइन और आनी चाहिए थी अपने स्कूल का नाम जो कि नीचे आएगा डेली. रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम. With due respect, I want to say that I am a student of class 3rd. I am sick and suffering from fever. मुझे बुखार है. ठीक है, मैं बीमार हूँ. Hence, I can't come to school. Kindly grant me sick leave today. Thanking you, yours faithfully. यहाँ पे अपना नाम आएगा बेटा. फिर उसके बाद आपकी क्लास आएगी. क्लास में आप 3rd लिख के ABC जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख सकते हैं और उस दिन की डेट डालेंगे. डेट का फॉर्मेट मैंने बता ही दिया था आपको. कैसे लिखोगे डेट? आप दो तरीके से डेट लिख सकते हैं. जैसे आज जो डेट है वो 16 है तो आई एम राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. 16th October 22. ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बेटा ये आपका ग्रामर सेक्शन है. देखिए आपने देखा आपका पेपर कैसे 4 सेक्शंस में डिवाइड है. पहला सेक्शन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का है. दूसरा सेक्शन में आपके क्या दिए हुए थे, एप्लीकेशन दी हुई थी राइटिंग का है. और तीसरा आपका कहा था ग्रामर का. तो लेट्स स्टार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं आपने इसमें. द अर्थ इज, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ इज लाइक अ राउंड. तो यहाँ राउंड आएगा. द स्काई इज, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. ठीक है. नेक्स्ट, जनवरी इज द डैश मंथ. कौन सा मंथ है? फर्स्ट मंथ. आपने एक चीज़ देखी, इसमें जो एडजेक्टिव्स थे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, एडजेक्टिव्स में या तो शेप देते हैं या कलर आता है या क्वालिटी और क्वांटिटी बताई जाती है. ऑर्डिनल नंबर भी आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं एडजेक्टिव्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज यू हैव टू मैच द एडजेक्टिव्स विद द नाउन. सो लॉन्ग, अब लॉन्ग चीज़ क्या हो सकती है? लॉन्ग हेयर हो सकता है, ग्रीन ट्री हो सकता है और स्वीट शुगर. हर चीज़ की डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ हमें मैच करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ये टेक्स्ट बुक पार्ट है, ये आपकी किताब में से आया हुआ है. नाउ स्टार्ट विट. सो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. वन वर्ड आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वर द गार्डनर्स ऑफ द मैजिक गार्डन. देखो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को आपने लिखना है. तो आंसर विल बी द स्कूल चिल्ड्रन. सॉरी मैं द लिखना भूल गई.
the school children. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल. बच्चे को शंख कहाँ मिला था? इट वॉज ऑन सैंड, लाइंग ऑन द सैंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डज द टर्निप सीड्स ग्रो. टर्निप सीड कहाँ उगाए जाते हैं? इन द सॉयल. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. ये आप अपने आप करेंगे, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 7. राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब ये जो आंसर अभी तक आपने वन वर्ड में दिया, टू वर्ड्स में दिया, ये वाले आंसर थोड़े से लंबे लिखने हैं आपने. ठीक है, व्हाट ट्री गिव्स टू अस. हमें ट्री क्या देता है? द ट्री गिव्स अस वुड, क्लीन एयर, गम, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फाइबर फॉर द क्लोथ, शेड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, और बहुत कुछ लिखा जा सकता था, बट क्योंकि हमने कम लिखना है इसलिए हमने इतना लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was the little fish unhappy? Why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was so very small. Next, in the poem Good Morning, what does the child want to do? The child wants to play. The child wants to play होगा. Sorry, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है. यहाँ आएगा child wants. The child wants to play with the sky, sun, birds, trees, grass and with the bees. So, that's all with the worksheet 1 for the English. ठीक है?